7 जुलाई को मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई। स्टेन स्वामी पर 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा में शामिल होने और नक्सलियों के साथ संबंध होने के आरोप थे। उन्हें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत हिरासत में लिया गया था। हिरासत में उनकी मौत पर कई लोगों ने सवाल उठाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाया कि ये हत्या थी। वहीं माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने हिरासत में हुई स्टेन स्वामी की मौत की जवाबदेही तय करने की मांग की। इन सबके बीच एक तस्वीर शेयर की जा रही थी जिसमें हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े एक बुजुर्ग के पैर में जंजीर लगी दिखती है। दावा किया गया कि यह स्टेन स्वामी की तस्वीर थी। लोग इसे शेयर करते हुए कह रहे थे कि भारत सरकार और न्यायिक व्यवस्था ने स्टेन स्वामी को मार दिया। तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च करने पर पता चला कि यह मामला 2021 का है और इसमें दिख रहे बुजुर्ग का नाम बाबूराम बलवान सिंह है। असल में मर्डर के मामले में वो 6 फरवरी 2021 से एटा जेल में थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में 14 मई 2021 को छपी रिपोर्ट में बताया गया कि हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 92 वर्षीय बुजुर्ग बाबूराम बलवान सिंह की 9 मई को तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें सांस लेने में भारी परेशानी हो रही थी और इसी वजह से उन्हें नॉन कोविड वार्ड में एडमिट किया गया था। वहीं पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने उनके पैर में जंजीर लगा दी। उसी मौके की यह तस्वीर थी। पंजाब केसरी में उस समय अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सौरभ का बयान छपा है। डॉक्टर सौरभ ने बताया कि बाबूराम की मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी और वो बार बार उठकर भाग जाया करते थे। वो न भागें और उन्हें चोट न लगे, इसीलिए उन्हें बांध कर रखा गया था। कुल मिलाकर ये तो साफ हो गया कि बीमारियों से जूझ रहे स्टेन स्वामी की न्यायिक हिरासत में हुई मौत के बाद जो तस्वीर उनसे जोड़कर शेयर की जा रही थी वो उनकी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की एक जेल में सजा काट रहे एक बुजुर्ग कैदी की थी जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था।